हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लिया था एक तरीके से, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके पहले एक्सरे पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसके पहले हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, रेडिएशन, फोर्स, दुनिया भर की चीजें पढ़ ली है। तो काफी सारी बुक्स के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि हमने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। बट बहुत सारी बुक्स न्यूक्लियर फिजिक्स को भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बट वो कई बार, जैसे मान लो JEE के पुराने क्वेश्चन, अगर तुम कहीं पर डेटा देख रहे हो कि मॉडर्न फिजिक्स के इतने सारे क्वेश्चन आए, और तुम्हें देखेगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स का तो नाम ही नहीं है उसके अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स को इंक्लूड कर लिया होगा, ठीक है। कई बार सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस को भी लोग मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड कर लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के, न्यूक्लियर फिजिक्स को, सेमीकंडक्टर्स को, ये सारी चीजों को भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें पढ़ना क्या है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम बात करेंगे तो हमें ऑब्वियसली न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें पढ़ना है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर की बात करने वाले हैं अब, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम बात करने वाले हैं तो न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग को सीखना चाहिए, या तुम लोग को पहले से पता भी होंगी बहुत सारी चीजें। जैसे अगर मैं किसी एटम को एक्स बोलूं, कोई भी एटम है एक्स नाम का, तो उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है, तुम्हें पता होगा। अब कई बार ऐसे लिखा जाता है उसको कि यहां पर लिख दिया जाता है एटॉमिक नंबर, यहां लिख दिया जाता है एटॉमिक मास, बट मेरी आदत है कि मैं यहां लिख देता हूं, और ये भी गलत नहीं है, दोनों चीजें सही है, यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। तो मैं ये वाला प्रेफर करता हूं। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कौन सी चीज यूज करी है, बट अगर हम लोग किसी भी एटम की बात करते हैं, एटम का नाम है एक्स, जेड डिनोट करता है एटॉमिक नंबर और ए डिनोट करता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो ये बताता है हमें कि एटम का नाम क्या है। ये इतनी सी चीज जो लिखी हुई है ये क्या क्या बताती है, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये बताता है कि ये एटम कौन है, एटम इज एक्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अच्छा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस इज एक्स, क्यों? क्योंकि आसपास तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एटम है, राइट। मतलब न्यूक्लियस डिसाइड करके बताता है ना कि एटम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी डिसाइड करके बताते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बदल भी सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं, तो न्यूक्लियस डिसाइड करके बताता है कौन सा एटम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब न्यूक्लियस एक्स का है। एक्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया Li37, इसका मतलब हो गया कि लिथियम के न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, लिथियम के एटम के बारे में बात हो रही है। अब वो डिपेंड करता है अपन के रेफरेंस पे कि कौन सी चीज अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि एटम की बात हो रही है असली में कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है। कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के बारे में ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये अपन को न्यूक्लियस भी बता रहा है और ये अपन को एटम भी बता रहा है कि हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लिथियम एटम है, लिथियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बताता है? ये बताता है हमें कि जेड जो है एटॉमिक नंबर बता देता है। तो दूसरी चीज ये बताता है हमें कि एटॉमिक नंबर इज जेड। और क्या बताता है? और क्या बताता है? और बताता है ये कि एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू ए। नाउ तुम्हें पता होगा ये बात, तो तुम लोग ने इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी है पहले से, बहुत पहले से, क्योंकि अब तो 12th का एंड आ गया, सभी पढ़ा होगा तुम लोग केमिस्ट्री में, तो कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों इंटीजर्स होते हैं, ये कभी भी डेसिमल्स में नहीं होते। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमेशा इंटीजर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि लिथियम का एटॉमिक मास कितना है तो तुमने आंसर दिया 7, एटॉमिक नंबर कितना है 3। तो ऐसे ही हम किसी के बारे में भी बात करें, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आर्गन के बारे में, तो आर्गन का क्या होता है 18 और 40, शायद यही होता है 18 एंड 40। तो एटॉमिक मास इज 40 एंड एटॉमिक नंबर इज 18। तो जितने भी एटम्स होते हैं तुमने सुना होगा कि उनका एटॉमिक मास इज ऑलवेज अ इंटीजर, ठीक है। अच्छा तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो क्या कि ऐसा असली में हो सकता है क्या? तुम सोचो कि असली में अगर मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं एटम्स के, और जितने भी मास है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग आ रहा है, ठीक है। ऑल दो इसके अंदर दो तरीके की चीजें, न्यूट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। छोड़ो, डिस्कस कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो तो सोचो, नहीं सोच पा रहे कोई बात नहीं, मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है उससे। इससे क्या क्या चीजें पता लगी मुझे, वो मतलब था। तो तीन चीजें इससे पता लगी, और कुछ पता लगता है क्या? मेरा क्वेश्चन है कि इससे और कुछ पता लगता है? सिर्फ इतने से लिखे होने से क्या कुछ और पता लग जाता है? हाँ,
एक चीज और पता लगती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग जाते हैं। सर ये क्या बात हुई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पता तो लगते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता लग जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सेड। ठीक है, तो सर अब आप अगली चीज एटॉमिक मास रिलेटेड लिख दोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, नहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखूंगा मैं पहले। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू ए। सर ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के देखा जाए तो यही रह रहे हैं बस अंदर। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के कितने हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। हमें स्पेसिफिकली दोनों का इंडिविजुअली ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, दोनों साथ में कितने हैं ये बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये भी जरूरत तो पड़ेगी ही, तो लिख तो ले ही कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताता है ये। अगर न्यूक्लियॉन्स इतने हैं ए, प्रोटॉन्स है जेड, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के, और ये प्रोटॉन है सिर्फ, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ए माइनस जेड। तो ये सारी चीजें तुम्हें सिर्फ इतने से पता लग जाती हैं कि अगर तुम्हें किसी ने लिख के दे दिया कि एक एटम है जेड एक्स ए, ठीक है, सिर्फ इतना लिख के दे दिया तो हमें ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसी की बात करें, इसके अंदर अगर मैं बोलूं तुम्हें कि बताओ एटॉमिक नंबर क्या है, तो तुम बोलोगे थ्री, क्योंकि एटम तो लिथियम में दिख गया। एटॉमिक मास सेवन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थ्री, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेवन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेवन माइनस थ्री यानी कि फोर। यहां देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 40, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 18 यानी कि 22। तो 22 इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा लिख के दे देते हैं तो हमें इससे ये सारी चीजें पता लग जाती हैं कि ये सारी चीजें कितनी कितनी हैं। ठीक है, अच्छा अगेन ये चीज तो तुम वैसे केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। एक और चीज जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो जो मुझे जरूरत पड़ने वाली है, बट मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि एक मोल क्या होता है, एक मोल क्या होता है, टेल मी एक मोल क्या होता है। 16.023 × 10²³ क्या एंटिटीज, कोई भी चीज हो सकती है वो, ठीक है ना, ये तो मैं पता ही है। एक और चीज जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो मुझे जरूरत पड़ेगी वो ये है, मैं जो डिस्कस कर रहा था ना कि क्या ये सारे इंटीजर कैसे हो सकते हैं, तो कई सारे लोगों को लग रहा होगा हो सकते हैं, तो मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं कि नहीं हो सकते कैसे। तुम्हें पता है कि एटॉमिक मास 1 AMU की डेफिनेशन क्या है, 1 AMU, 1 AMU की डेफिनेशन क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन जो पहले थी, शायद अभी चेंज हो गई है, आई डोंट नो, बट मुझे जो याद है मैं तो वो बता रहा हूं, उससे तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन थी या है आई डोंट नो कि पहले, लेकिन एक जमाने में जरूर थी, जब मैं पढ़ता था तब जरूर ये थी, केमिस्ट्री मुझे इतना ज्यादा आती नहीं है, एक जमाने में ये जरूर थी कि मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12, ये थी 1 AMU की डेफिनेशन। मतलब C12 एटम का मास निकालो और उसको 12 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें 1 AMU पता लग जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो नंबर लिखा जाता है ना ए, ये एटॉमिक मास यूनिट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है कभी 3 Li7, तो हम बोल सकते हैं इसका 7 AMU मास है, इसका मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर जो हम लोग लिखते हैं वो 7 क्या है, 7 AMU है। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं लिख दिया मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12 करने से अच्छा था सीधा ऐसे लिख देते मास ऑफ H एटम, क्यों बराबर नहीं आएंगे क्या। C12 में कितने न्यूक्लियॉन्स है तुम बताओ, C12, 6C12, 7C12, दो सॉरी 6C12 और 6C14 दो तरीके के होते हैं, लेकिन C का एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है। तो मास ऑफ 6C12 एटम डिवाइड बाय 12, नाउ टेल मी कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इसके अंदर, 12 न्यूक्लियॉन्स, 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, डिवाइड बाय 12 करोगे तो 1 न्यूक्लियॉन के बराबर आ गया। तो 1 न्यूक्लियॉन तो हाइड्रोजन एटम में भी होता था, इसको अपन ऐसे क्यों नहीं लिख देते कि मास ऑफ हीलियम एटम डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 4, ये 4 होते हैं ना, डिवाइडेड बाय 4, ऐसा क्यों नहीं लिख देते। हाइड्रोजन में एक ही न्यूक्लियॉन था तो क्या 12 न्यूक्लियॉन मिलके एक न्यूक्लियॉन, 12 न्यूक्लियॉन का मास डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो क्या वो 1 न्यूक्लियॉन के बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि
पहली बात तो यह कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। पहली बात तो यह कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, और दूसरी बात यह कि एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस इज अ प्रोटॉन। एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन न्यूक्लियस का एटम इज अ प्रोटॉन, पर वही प्रोटॉन अगर किसी और न्यूक्लियस में होता है तो उसका मास अलग होता है। मतलब डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस, किस न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से उसका मास चेंज होता जाता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, पहली बात तो, और मास ऑफ प्रोटॉन भी मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होता अगर हम दो अलग अलग न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो समझो इस चीज को कि हम ऐसा बोल सकते हैं यहां से कि क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के बराबर नहीं है, तुम सीधा बोल सकते हो इसका मतलब कि इसका मास अगर एग्जैक्टली 12 amu है तो इसका मतलब बाकी जितने भी होते हैं, जैसे इसका अपन 7 amu मास लिख देते हैं, बट एग्जैक्टली 7 नहीं होता है। एग्जैक्टली 7 अगर होता तो हम क्यों ना डिफाइन कर देते कि मास ऑफ Li एटम डिवाइडेड बाय 7 हो जाता काम, बट ये इसी से डिफाइन क्यों किया, मतलब इससे डिफाइन अगर किया गया है तो इसका मतलब बाकी सबके लिए डेफिनेशन अगर ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब सबके मास इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होती है। अच्छा, अगर सबके मास इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होती हैं सर, मतलब इसका Li 7 का आप बोल रहे हो कि मास एग्जैक्टली 7 amu के बराबर नहीं है। अगर इसका मास 7 amu के बराबर नहीं है तो अपन 7 क्यों लिख देते हैं? क्योंकि वेरिएशन बहुत कम है। आंसर होगा 7.001, 7.002 इस टाइप का कुछ, या 6.998, 6.999, मतलब बहुत ही क्लोज होता है 7 के। जो मास ऑफ प्रोटॉन में बोल रहा हूं ना कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। मास ऑफ प्रोटॉन दूसरे मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा अगर अलग अलग न्यूक्लियस में कंपेयर कर रहे, अगेन बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है। तो उस छोटे से डिफरेंस की वजह से यहां पर तो हम एटॉमिक सीधा एक इंटीजर वैल्यू लिख देते हैं, बट असली में याद रखना कि देयर इज अ डिफरेंस, there is a difference कि अगर हम लोग ये लिख रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि there is the mass of Li is 7 amu, बिल्कुल नहीं। mass of Li can be greater than 7 amu, slightly greater than 7 amu or slightly less than 7 amu। सिर्फ एक ही के लिए मास हम बोल सकते हैं कि exactly equal to 12 amu है, and that is mass of C12 atom, क्योंकि वहीं से इसको define किया गया है amu को, ठीक है? तो मुझे लगता है चीज समझ में आ गई होगी तुम्हें जो भी मैंने अभी यहां पर तुम्हें ज्ञान दिया, ठीक है? अब इससे तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग जो लिखते हैं वो एक्चुअली इंटीजर वैल्यूज नहीं होती हैं, वो इंटीजर अप्रोक्सीमेटली इंटीजर होते हैं, तो उनको हम लोग अप्रोक्स करके लिखते हैं, ठीक है? देखो अब एक और चीज, ठीक है? अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूं इस चीज पे कि इनके मास बराबर नहीं होते, मास बराबर नहीं होते, मास बराबर नहीं होते, तो ऑब्वियसली मैं उसको डिस्कस करूंगा, बट अभी नहीं। पहले हम लोग थोड़ी इजी चीजें डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, उसके बाद थोड़ी ऐसी चीजों पर जाएंगे जो अजीब सी है। तो सबसे पहले इजी चीज से स्टार्ट करते हैं। तो इजी चीज, चलो इसको मिटाते हैं, ये तो न्यूक्लियस के बारे में जनरल जानकारी हो गई हमारी, ठीक है? अब हम एक इजी चीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, तो इजी चीज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करें। साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो यहां लिख देते हैं ऑफ, यहां लिख देते हैं साइज, ठीक है? तो हम लोग न्यूक्लियस के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, ठीक है? जब हम न्यूक्लियस का साइज डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो रेडियस। अच्छा, पहली चीज तो हम ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस इज अज्यूम टू बी अ स्फेरिकल शेप्ड बॉडी, ओके? तो न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, ऐसा अज्यूम करके रखते हैं हम लोग, ठीक है? न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अब पहली चीज जो है वो है रेडियस, कि रेडियस कितना होता है न्यूक्लियस का। तो हम बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय आर नॉट ए टू द पावर 1/3, या क्यूब रूट ऑफ आर ए, क्यूब रूट ऑफ ए लिखा हुआ है वो, क्यूब रूट ऑफ ए, ए इज मास नंबर, ए इज मास नंबर, ये बताता है तुम्हें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं तुम्हारे उसमें, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं तुम्हारे पास। तो a की पावर 1/3, क्यूब रूट करो a का और r नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये r नॉट क्या है, r नॉट ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर वो होगा, तो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है दैट इज 1.2 फेमटोमीटर, ठीक है? इट इज 1.2 फेमटोमीटर। अच्छा, फेमटोमीटर को फर्मी भी बोलते हैं। अच्छा, फेमटो क्या होता है तुम लोगों ने शायद याद नहीं किया होगा, मैंने तो बेटा 9th क्लास में याद कर लिया था, बताऊं क्या?
कि एक कन्वर्जन यूनिट्स होती है, जैसे सेंटी, सेंटीमीटर में सेंटी क्या होता है, 10^-2, किलोमीटर में किलो क्या होता है, 10^3, ऐसे मेगा वॉट जब लिखते हैं तो मेगा क्या होता है, 10^6, जैसे पीको फैरड लिखते हैं कैपेसिटर्स में, पीको क्या होता है, 10^-12, वेवलेंथ में नैनोमीटर लिखते हैं कई बार, नैनो क्या होता है, 10^-9. तो ये चीजें तुम्हें याद रहना चाहिए, ये सारी चीजें तुम्हें याद रहना चाहिए, तो इनका पूरा एक चार्ट होता है एक्सापेट का, तेरा योटा जेटा से भी स्टार्ट कर सकते हो, योटा जेटा एक्सापेटा 13 GMK हेक्टोडेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो युक्टो, तो ऐसे करके तुम अगर इसको याद रख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा उसको प्रॉपर याद रखोगे समझ में आएगा कि कहां पर कौन सी चीज लाइक कर रही है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मैं तुम्हें एक बार रिपीट करता हूं, देखो एक्सापेकेट 13 GMK सेंटीमिली माइक्रो, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, सेंटीमिली माइक्रो, सेंटी इज 10^-2, ठीक है, डेसी, डेसी इज 10^-1, तो डेसी सेंटी मिली, तो डेसी इज 10^-1, सेंटी इज 10^-2, मिली इज 10^-3, तुम्हें पता होगा, डेसी सेंटी मिली देन माइक्रो, माइक्रो इज 10^-6, then nano, nano is 10^-9, then pico, pico is 10^-12, और उसके बाद आता है femto, and femto is 10^-15, तो ये लिखा गया है 1.2 × 10^-15 meters, this is the radius of hydrogen atom, hydrogen nucleus, this is the radius of hydrogen nucleus, अच्छा, fm को, femto meter को, एक साथ बोल दिया जाता है फर्मी, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, फर्मी बोल दिया जाता है इसको पूरा का पूरा एक साथ, तो मतलब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है 10^-15 मीटर, फेमटोमीटर और फर्मी दोनों का मीनिंग है 10^-15 मीटर, तो दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब उसके बाद तुम्हें किसी का भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना हो, एक ही वैल्यू डालो और आंसर निकालो, एग्जाम्पल जैसे शायद 27 एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है, ठीक है ना, 27 मास नंबर होता है एल्यूमिनियम का, तो अगर मैं एल्यूमिनियम डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो फॉर एल्यूमिनियम 27 A is equal to 27, इसलिए चूज किया क्योंकि 27 का क्यूब रूट इज सिंपली 3, तो 3 × r0, तो हम बोल सकते हैं R is 3.6 फर्मी, ये रेडियस होगा एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का, समझ में आई बात, ठीक है ना, बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो मास ऑफ न्यूक्लियस को मास नंबर के बराबर बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, मास नंबर मतलब क्या हो जाता है, मास नंबर लेकिन एएमयू में है, याद रखना, ठीक है, तो इतना एएमयू बिल्कुल बोल सकते हो तुम, कि जैसे मान लो अगर तुम एल्यूमिनियम 27 की बात कर रहे हो तो 27 एएमयू उसका मास है, बिल्कुल सही है, बट अगर मुझे उसको केजी में लिखना है तो फिर मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब कैसे उसका मास निकाल सकता हूं मैं एसआई यूनिट्स में, तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज, लेट से हम कैपिटल एम से डिनोट करें, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख रहे हैं स्मॉल एम इंटू ए, स्मॉल एम इंटू ए, नाउ ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, और स्मॉल एम डिनोट कर रहा है कि हर एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, तो एम यहां पर अप्रोक्सीमेटली डिनोट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, बट मुझे ऑलरेडी, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये दोनों मासेस बराबर नहीं होते हैं, तो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं अप्रोक्स लिख रहा हूं ना, लिख रहा हूं ना अप्रोक्स, तो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूक्लियस को ऐसे लिखा जा सकता है, बहुत ही छोटा सा वेरिएशन आएगा, अब यहां पर तुम डालो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, मल्टीप्लाई कर दो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो तुम्हें ऑब्वियसली मास ऑफ न्यूक्लियस पता लग जाएगा, मेरी बात, वेरी गुड, ठीक है, लास्ट चीज, लास्ट चीज साइज ऑफ न्यूक्लियस में, आखिरी चीज साइज ऑफ न्यूक्लियस में लास्ट चीज ये है कि रेडियस पता है, मास पता है, रेडियस पता है तो वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम निकलवा नहीं रहा ऑब्वियसली 4/3 πr³ करोगे, न्यूक्लियस स्फेरिकल मान चुके हो, रेडियस पता है स्फेरिकल है 4/3 πr³ से निकाल दोगे, कुछ और निकालने का मन है, मेरा मन है निकालने का डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी निकालते हैं न्यूक्लियस की, अगर हम डेंसिटी की बात करें, चलो रो से डिनोट कर लें, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे, कर दो, मास लिखा हुआ है स्मॉल एम इंटू ए, तो मैंने लिखा है स्मॉल एम इंटू ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, ठीक है, अब आर क्यूब करके डालते हैं, आर क्यूब कितना होगा, आर नॉट क्यूब इंटू ए टू दी पावर 1/3 पहले से था उसका क्यूब करोगे तो ए ही बचेगा, तो तुम यहां से लिख सकते हो डेंसिटी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए डिवाइडेड बाय
फोर बाय थ्री पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब तुम्हें ऑब्वियसली दिख गया होगा ए से ए तो गया, ए से ए तो गया, बचा क्या कि डेंसिटी इज कमिंग टू बी इक्वल टू थ्री एम डिवाइडेड बाय फोर पाई आर नॉट क्यूब, थ्री एम डिवाइडेड बाय फोर पाई आर नॉट क्यूब। अब इस डेंसिटी को जरा गौर से देखो कि इसके अंदर सारी वैल्यूज नोन है। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है पता है? इसकी वैल्यू नियरली कितनी होती है? दिस वैल्यू इज नियरली 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, राइट? इतनी वैल्यू होती है इसकी, 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। तो एम पता है, थ्री पता है, फोर पता है, पाई पता है, आर नॉट, आर नॉट भी पता है, तो सारी वैल्यूज यहां पर पता है। अच्छा, किस न्यूक्लियस की डेंसिटी हमने निकाली है? हमने यहां पर मास नंबर नहीं डाला। मैंने ऐसा नहीं करा कि एल्युमिनियम एटम की निकालो या कोई लिथियम की निकालो या कार्बन की निकालो, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, तो जनरल लिखा। ए अपने आप कैंसिल हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई इज नियरली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली सबकी डेंसिटी करीब करीब बराबर आती है, और वो डेंसिटी की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। अब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करने वाला नहीं हूं, बिल्कुल मन नहीं है मेरा, बट मैं यहां से ये लिख सकता हूं रो डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, सारे न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उन सारे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस प्लूरल नहीं होता उसका, न्यूक्लियाई प्लूरल होता है, तो सारे न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी जो होता है वो सेम होता है। ये चीज याद रखना, क्योंकि सारी चीजें यहां पर वैल्यू डाली जा सकती है। अब तुम्हारा काम ये है, कैलकुलेटर यूज करो चाहे कुछ करो, तुम एक कैलकुलेट कर लेना भाई, और कैलकुलेट करके लिख लेना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है? कैलकुलेट करके लिख लेना कितना आंसर आ रहा है, इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत इस टाइप की चीजें याद रहे तो बेटर है कि तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर होता है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया जेडब्ल्यू में, एक बार जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, और ऑप्शंस थे 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 18, 10 ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट कैलकुलेशन करना पड़ेगी, मुझे रटा हुआ नहीं है ये बिल्कुल भी। तो यहां पर थोड़ी सी वैल्यू डालो और आंसर निकालने की कोशिश करो कि कितना आ रहा है, ठीक है? तो नहीं, सॉरी, 10 टू द पावर माइनस नहीं, सॉरी, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 20, इस टाइप के ऑप्शंस थे, तो उसमें से अपन को चूज करना था, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर याद रखना कि ये हम लोग जरूर डिराइव कर चुके हैं कि डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। फाइनल आंसर कैलकुलेटर से चेक करके निकाल के रखो यहां पर कि कितना फाइनल आंसर तुम्हारा आता है, ठीक है? तो लिख लो इस चीज को, जो भी मैंने तुम्हारे सामने इतनी सारी चीजें लिख दी हैं, इन सारी चीजों को नोट कर लो, और फिर हम लोग आगे का लिखते हैं, आगे समझते हैं क्या है क्या है, जल्दी से लिख लो। तो अब हम लोगों ने मास न्यूक्लियस का समझ लिया, डेंसिटी समझ लिया, तो ये हमारा बेसिक इजी वाला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट भी इजी, ऐसा नहीं है दूसरा पार्ट टफ है, बट हाँ, दूसरे पार्ट में थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे अब, ठीक है? तो दूसरा पार्ट जो हमारा न्यूक्लियस से रिलेटेड है, वो उसी से रिलेटेड है जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था ना, कि हर एक का मास नंबर तो अलग अलग है, हर एक का मास नंबर से इंटीजर है। क्या हर एक का मास नंबर इंटीजर है? तो क्या एक्चुअली उनके मास इंटीग्रल है? नहीं, उनके मास इंटीग्रल नहीं होंगे, मास उनके इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ एएमयू भी नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कार्बन 12 का मास अगर 12 एएमयू है तो ऑक्सीजन 16 का मास, ओ 16 का मास 16 एएमयू हो, नहीं, 16 एएमयू नहीं होगा, 16 थोड़ा ज्यादा या 16 थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एएमयू ऑल्सो, ठीक है? तो हम उसी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं यहां पर, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं, लेट्स नेम दिस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस,
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं और पूरी वो पूरी कहानी खत्म होगी. बट एक्जैक्टली बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट रिलेटेड टू अवर मास, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तुम्हें. ठीक है, एक्जैक्टली उस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, बट हाँ समझ में आ जाएगा. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं. अब पहले तो उसका मतलब समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है. तुम्हें पता है कि एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है मतलब जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का न्यूक्लियस होता है. अब तुम अगर उसको गौर से सोचोगे कार्बन के बारे में तो तुम्हें पता है कि कार्बन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं. चलो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है बट प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज है ना. प्रोटॉन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं और पास पास रह के भी साथ में खुश हैं, इसका मतलब उनके बीच का रिपल्शन का क्या हुआ? तो कूलम्ब रिपल्शन लग रहा है उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है उनके बीच में, बट ऑब्वियसली उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी रहा होगा जो कूलम्ब रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से बहुत ज्यादा होगा, और वो अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स. अच्छा अब ये बात आती है, चलो न्यूक्लियर फोर्स, अब ये मान लिया अपन ने कि हाँ न्यूक्लियर फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को पास पास खींच रहा है. अब तो मैं सोचो कि जब भी दो चीजें पास पास आती हैं, जब भी दो चीजें पास पास आती हैं खुद से पास पास आ रही हैं, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी. मैं बताता हूं कैसे. सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी उनकी डिक्रीज हो रही होगी. कोई भी सिस्टम खुद से वो काम करने की कोशिश करता है जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तो खुद से काम करेगा. हाँ फोर्सफुली तो मुझसे दूसरा काम भी करवा सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज भी कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन अर्थ सिस्टम की बात करूं, पेन और अर्थ सिस्टम की बात करूं, तो मैं पेन को ऊपर ले जा सकता हूं फोर्सफुली, पेन को ऊपर ले जा सकता हूं फोर्सफुली. पेन को ऊपर ले जाने से इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, पेन अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है. बट अगर इनको मैं अपने हाल पे छोड़ दूंगा, इनके ऊपर छोड़ दूंगा, मैं कुछ ना करूं, अगर मैं फोर्स ना करूं तो ये नीचे ही जाएगा. क्यों? क्योंकि नीचे जाने से यानी कि अर्थ और पेन के पास आने से इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. अच्छा अगर मैं इसको नीचे से ऊपर फेंक दूं तो भी ऊपर जाएगा, तो भी ऊपर जाएगा. बहुत किसके फेंक दूं तो बाहर ही निकल जाएगा, एस्केप हो जाएगा, याद है एस्केप वेलोसिटी. तो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकूं तो ऊपर जाएगा, मतलब हमारा ऊपर फेंकना अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देना भी एक फोर्सफुल चीज है. कि मतलब तुम बोलो कि सर रास्ते में अब तो हम फोर्स नहीं कर रहे, अब क्यों ऊपर जा रहे हैं? अब इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी है ना ऊपर की तरफ. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी भी इसको फोर्सफुली ऊपर भेजा जा रहा है, पर इसका मन तो है वापस से पास में जाने का. ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी, अब समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, किसी भी सिस्टम की अगर मैं टोटल एनर्जी को जीरो बोल दूं, टोटल एनर्जी को अगर मैं जीरो बोल दूं जब वो लोग बहुत दूर है, टोटल एनर्जी को अगर मैं जीरो बोल दूं जब वो बहुत दूर है, तो पास आने पर अगर वो फिर से रुके हुए हैं इसका मतलब उनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को तो हम दोनों केसेस में जीरो बोल रहे हैं. तुम सोचो दो बॉडीज हैं, बना के बताता हूं, दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये दोनों रुकी हुई हैं और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से, और मैं बोल दूं कि इनकी टोटल एनर्जी इस टाइम पे जीरो है, इनकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस टाइम पे जीरो है, टोटल एनर्जी इनकी जीरो है. अब जब ये पास आ जाएंगे, ये दोनों पास आ गए, जब ये पास आ जाएंगे तो इनकी एनर्जी पक्के से नेगेटिव होगी अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो जब ये पास आ जाएंगे तो इनके बीच की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये पहले भी रुके हुए थे, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, अभी भी रुके हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी जीरो है. अट्रैक्टिव फोर्सेस है मतलब खुद से पास आना चाहते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में अगर जीरो थी तो अब पोटेंशियल एनर्जी पक्के से नेगेटिव होगी, तो यानी कि टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव. ठीक है, अब तुम इसको न्यूक्लियस के टर्म्स में सोचो कि हमने न्यूक्लियस के लिए भी ये डिसाइड कर लिया कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पास पास रहने में खुश हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पास पास रहने में खुश हैं. अगर प्रोटॉन्स पास पास रहने में खुश हैं इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स रहे होंगे जो पहले एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट हैं. मान लो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से, ये बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स पास पास आए और इनने फॉर्म किया न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियॉन्स पास पास आए और इनने फॉर्म कर दिया एक छोटा सा न्यूक्लियस. ठीक है, अब पहले भी ये रुके हुए थे, बाद में भी ये रुके हुए हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी. अब ये एनर्जी जो डिक्रीज हुई है ये कहां गई? जब ये एनर्जी डिक्रीज हुई तो ये कहां गए? अब डिफॉर्मेशन तो होता नहीं है न्यूक्लियर न्यूक्लियॉन्स में. न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफॉर्म नहीं हो सकते कि उनकी एनर्जी जो है वो डिफॉर्मेशन में खर्च हो गए, क्योंकि रियल मतलब हमारे रियल लाइफ में मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमें जो एनर्जी का लॉस दिखता है, जो एनर्जी का चेंज दिखता है, वो इसी फॉर्म में दिखता है.
वो इसी फॉर्म में दिखता है कि जो एनर्जी हमारे सिस्टम ने लूज करी है वो कहां गई, तो वो कोई ना कोई खा जाता है, हीट के फॉर्म में निकल जाती है। बट यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता डायरेक्टली कि यहां पर ये एनर्जी जो है ये डिफॉर्मेशन में चली जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक आटे की लोई है, उस आटे की लोई को तुमने ऐसे ऐसे बॉल जैसा बनाया और छोड़ा, नीचे जाकर टकराएगा और क्या होगा, रुक जाएगा। तुम बोलोगे सर पहले इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी थी, पहले एक पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, लेकिन टकराते ही वो खत्म हो गई, कहां गई, कहां गई वो एनर्जी? तो मैं बोल सकता हूं वो एनर्जी आटे की बॉल के डिफॉर्मेशन में खर्च हो गई, आटे की बॉल के डिफॉर्मेशन में चली गई, या उसने अंदर रख ली अपने इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, आटे की बॉल में। तो ऐसे करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो एनर्जी हमारी गायब होती हुई नजर आ रही है वो कहां गई, ठीक है। बट जब हम लोग एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये डिफॉर्म नहीं हो सकते आटे की लोई की तरह, ये डिफॉर्म नहीं हो सकते, इनका जो है शेप वो है। तो अगर ये डिफॉर्म नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये कैसे एनर्जी को लूज करेंगे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी एनर्जी बाहर निकलेगी। अब वो जो एनर्जी बाहर निकलेगी, इसका मतलब जब न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूक्लियस बनेंगे, तो मैं ये पता लग गया कि एनर्जी कम होती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया, एनर्जी कम होती है तो अब ये इनके अंदर नहीं रह सकती, ये डिफॉर्म नहीं हो सकते, तो एनर्जी बाहर निकलेगी। अच्छा, जब भी न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनेंगे तो एक एनर्जी बाहर निकलेगी, इसका मतलब यस, न्यूक्लियॉन्स जब भी एनर्जी न्यूक्लियस बनेंगे तो एक एनर्जी बाहर निकलेगी, तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं एनर्जी, 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 ऐसे बना देते हैं एनर्जी को, नहीं कोई एनर्जी हुई क्या, कैसे बना एनर्जी को, ऐसे बना देते हैं एनर्जी को, ऐसे एनर्जी निकली, ठीक है। यानी कि जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनेंगे तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। अच्छा, जितनी एनर्जी निकलती है ना, इसी को नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जितनी एनर्जी निकलेगी उसी को नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तुम समझो इस चीज को, बहुत सिंपल चीज है। यहां पर एनर्जी न्यूक्लियॉन्स की सबकी मिला के जीरो थी, यहां पर एनर्जी इनकी नेगेटिव हो गई, उतनी नेगेटिव एनर्जी हो गई है इनके पास जितनी इसने रिलीज करी होगी, क्योंकि एनर्जी वाइज अगर हम दोनों तरफ चेक करेंगे तो हमें वो मिलेगा कि अगर इसकी एनर्जी E माइनस E हो गई है तो E एनर्जी ही बाहर आ रही होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है ये वाली एनर्जी। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई बाइंडिंग एनर्जी की, समझो, डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी की ये हो गई कि व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सिमिलरली एक और तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है। अब इतना ज्यादा बिल्कुल एकदम बच्चों जैसे नहीं समझाऊंगा कि मैं लिख लिख ऐसे डायग्राम बना बना के बताऊं। न्यूक्लियस होगा, इसको अगर तुम्हें न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ये क्या बात है, ये बात ये हुई कि अगर तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस है और तुम चाहते हो उसके सारे न्यूक्लियॉन्स को तितर बितर कर दो, सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाए, सारे न्यूक्लियॉन्स को अगर अलग अलग कर देना चाहते हो तो तुम्हें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इंटू न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इंटू न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, मुझे एक चीज और दिमाग में आ रही है कि ऐसे ना बनाए। अच्छा, ये डायग्राम तो अब ऑब्वियसली तुम नहीं बनाते अपनी कॉपी में, मुझसे मत बोलना कि सर मिटा दिया, बनाना था। ऐसे बनाए कि इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज, तो यहां मैंने लिख दिया बाइंडिंग एनर्जी इज कमिंग आउट इस प्रोसेस से, और इस पूरी प्रोसेस में हमें पता है एनर्जी खाता है ये, तो हम यहां लिख देते हैं कि इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी खाई जाती है। तो न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी खा के न्यूक्लियॉन्स बना सकता है, और न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस बनाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेंगे, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल चीज थी, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये क्यों हुआ, ये एनर्जी लूज कैसे हुई, ये एनर्जी लूज कैसे हुई। अब अभी होगी ये तो अपन ने क्लियर कर लिया, अब बात ये आती है कि एनर्जी लूज कैसे हुई। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमें एक चीज डिस्कस करना पड़ती है जिसका नाम है मास डिफेक्ट। यहां पर हमें एक चीज डिस्कस करना पड़ती है जिसका नाम है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है, मास डिफेक्ट का मतलब पहले तो मैं एक जनरल टर्म्स तुम लोग को समझाता हूं, फिर वापस अपन इस पे अप्लाई करेंगे उस चीज को। मास डिफेक्ट का जनरल मीनिंग बताता हूं। अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें हैं, तो पी क्यू शायद यूज नहीं होने, क्यू तो यूज होगा, एम और एन यूज नहीं होता, ए तो यूज होता है मास नंबर में, बी यूज नहीं होगा, सी यूज नहीं होगा, ठीक है, बी सी और एम और एन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास दो न्यूक्लियस हैं बी और सी, ठीक है,
ये दोनों ने कुछ किया साथ में रिएक्शन, और इन लोगों ने बनाया एम प्लस एन, इन लोगों ने बनाया एम प्लस एन, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस हैं बी और सी, ये दोनों जुड़े और इन दोनों ने बनाया एम प्लस एन, दो नए न्यूक्लियस यहां पर बन गए, ठीक है। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है? मास डिफेक्ट मतलब है, समझना, मास डिफेक्ट, अच्छा इसको अपन डेल्टा एम से डिनोट कर रहे हैं, तो अब मुझे पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, डेल्टा एम, अच्छा डेल्टा मतलब होता है चेंज इन मास, बट ऑल्दो यहां पर हम लोग एग्जैक्टली चेंज नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ मास। लॉस ऑफ मास मतलब हो गया मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑन द राइट हैंड साइड। सर क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया कुछ भी। सुनो सुनो, दो न्यूक्लियस है, उनने एक रिएक्शन करी और उन्हें नए न्यूक्लियस बनाए। सर ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, न्यूक्लियस कभी चेंज नहीं होते। हम जब बैलेंसिंग भी करते हैं केमिस्ट्री में तो हमेशा हम लोग ये काउंट करते हैं कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में अगर चार ऑक्सीजन एटम है तो राइट हैंड साइड में भी चार ऑक्सीजन एटम होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर दो कार्बन एटम है तो राइट हैंड साइड में भी दो कार्बन एटम होने चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, मैं बोल रहा हूं कि बी और सी नाम के दो एटम थे, रिएक्शन हुआ कुछ नए बने, रिएक्शन हुआ कुछ नए बने। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है कि सर ऐसा असली में होता है क्या, नहीं मुझे नहीं पता ये वाली रिएक्शन स्पेसिफिकली असली में होती है या नहीं, बट मैं कुछ भी रैंडमली एक बार लिख के बताता हूं तुम्हें। मान लेते हैं एक हाइड्रोजन और हीलियम एटम मिले, एक हाइड्रोजन एटम और एक हीलियम एटम मिले, हाइड्रोजन होता है 1H1, ये होता है 2He4, ठीक है, ऐसे होता है। एक काम करते हैं इसके दो ले लेते हैं, दो हाइड्रोजन एटम मिले और रुको थोड़ा अलग लेते हैं, बेरिलियम ले लेते हैं और बेरिलियम होता है 4B9 ले लेते हैं, ये होता है, ठीक है बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ये दोनों मिले और इनने बनाया, देखना गौर से, देखना गौर से, 2He4 3Li6। अगर तुम केमिस्ट्री में जिस तरीके से बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस करते आए हो उस तरीके से देखोगे तो इस तरफ एक हाइड्रोजन और एक बेरिलियम है, बट इस तरफ एक हीलियम और एक लिथियम है, मतलब अब वो काउंट नहीं कर सकते कि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए एक ही चीज के, नहीं। अब हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं यहां पर, अगर मैंने जो बैलेंस रिएक्शन लिखी है इसमें मैंने क्या काउंट किया है, इसमें मास नंबर एड होके सेम मिलना चाहिए, 1 + 9 = 4 + 6, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का कंजर्वेशन लगाया गया। पहली चीज तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स शुड बी कंजर्व, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था और उसके बाद आखिरी में तुम्हारे पास एक प्रोटॉन ही बचा या एक ही न्यूट्रॉन बचा, कोई एक आध प्रोटॉन गायब हो जाए या एक आध न्यूट्रॉन गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का कंजर्वेशन लगाया जाता है। दूसरी चीज, नीचे 1 और 4 यानी कि 5 था, नीचे 2 और 3 यानी कि अगेन 5 है, तो मैं बोल सकता हूं नीचे वाली चीज होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी कंजर्वेशन लगाया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी कंजर्वेशन लगाया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहने चाहिए, या इसको हम लोग को बोलना चाहिए चार्ज सेम होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा हो तो ऐसी चीज को भी चेंज कर सकते हैं, तो चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड होना चाहिए। तो दो चीजों का कंजर्वेशन लगाया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन्स नहीं लगा रहे हैं, क्यों, प्रोटॉन जो है वो भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन जो है वो भी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वही रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वही रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन जबरदस्ती लिख के बताऊं क्या, जबरदस्ती लिख के बताता हूं, चलो एक काम करते हैं, इसको अपन 5 लिख लेते हैं और यहां 10 लिख लेते हैं, कितना हो गया भाई, 11 हो गया, ठीक है, तो ऊपर अपन लोग 7 लिख देते हैं, ठीक है, नीचे कितना हो गया, 1 और 5 कितना होता है 6, यहां कितना है 2 और 3, चलो तो इसको अपन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बीई रहने दो, इसको 4 रहने दो, इसको 9 रहने दो, इसको 6 रहने दो, सेंस नहीं बन रहा है, मजा नहीं आ रहा है, बहुत टफ चीज है ये, बट ट्राई कर रहे हैं, रुको थोड़ा रैंडम नंबर लेते हैं, 16, 1, हीलियम तो निकाल ही दिया है अपन ने,
मैं चाह रहा हूं 1 और 8 है ना यहां पर, तो 1 नहीं हो यहां पर, लो हीलियम, ये लो 4, ये लो 2, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है पूरी हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है चलो, यहां है 10, ठीक है। तो यहां पर अपन तो पहली चीज निकाल देते हैं, चलो 1H1, कुछ भी रैंडम रिएक्शन लिख रहा हूं, ऐसा असली में नहीं होती है, मतलब मैं बता रहा हूं दिस रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल जो हमारे पास रूल्स हैं उसके हिसाब से। ठीक है, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, यहां 1 हो गया, तो यहां पर अपन को 9 बाकी है, 9 बाकी है, लेकिन उसकी जगह मैंने लिखा 10, है ना, 10, और मैंने लिखा 10, 10 क्या होता है, नियॉन होता है ना, ठीक है नियॉन। 4 और 16 20 होता है, तो 1 इधर लिख लिया है, तो यहां लिख लेते हैं 19। अब नीचे देखो कितना है, 10, यहां नीचे कितना है, 11, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नंबर जनरली बोला जाता है 0 और एटॉमिक नंबर बोला जाता है -1। ठीक है, तो इसमें अब तुम देखो 2 और 8 इज 10, 1 10 एंड -1 टुगेदर इज 10, ऊपर देखो 4 और 16 इज 20, 1 19 और 0 ये भी कितना है, 20। तो ऐसी रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल जो हमारे पास रूल्स हैं उसके हिसाब से। तो हम रूल्स क्या लगा रहे हैं, रूल्स हम ये लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन शुड बी कंजर्व, और दूसरा रूल क्या लगा रहे हैं कि चार्ज ऑन बोथ साइड शुड बी कंजर्व, क्योंकि नीचे वाली चीज ये बताती है पॉजिटिव चार्ज टोटल। तो 2 + 8 10 पॉजिटिव चार्ज है, 1 + 10 - 1 ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग ने दो चीजें लगाई, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर सबसे पहली चीज मैंने यही यही समझाना चाह रहा हूं मैं तुम लोग को, कि अब ये मत सोचना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस दोनों तरफ सेम रहेंगे। तुम इस चीज को लिख लो और ये भी चीज मेंशन कर लो कहीं पर कि बैलेंसिंग के टाइम पर हम दो रूल्स लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है चलो वापस आओ। चलो तो ये तो बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था, तो मैं बता रहा था कि पहली चीज तो ये कि न्यूक्लियस चेंज हो जाते हैं, पहली बात तो ये कि न्यूक्लियस ही चेंज हो जाते हैं। रूल इस बार वो वाले नहीं लगाएंगे कि नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, रूल्स अलग लग रहे हैं। दूसरी चीज ये यहां पर कि मास दोनों साइड का बराबर नहीं होता है, मास दोनों साइड का बराबर नहीं होता है, मतलब अगर तुमने यहां पर बी और सी जितना भी है टोटल उनका टोटल मास कैलकुलेट किया और वहां पर एम और एन जो बने हैं उनका टोटल मास कैलकुलेट किया, तो तुम्हें यह नजर आएगा कि मास दोनों तरफ का सेम नहीं है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास पहली बार हमारे जिंदगी में फिजिक्स में फेल हो गया है। कंजर्वेशन ऑफ मास आज तक किसी चैप्टर में फेल नहीं हुआ था, मास जितना रहता है बॉडी का उतना ही रहता है, मास कैन नॉट बी चेंज, मास कभी बदल नहीं सकता बॉडी का, हम लोग यही सुनते आए थे क्लासिकल फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं जिसको। तो हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि मास कभी नहीं बदलता, कोई भी रिएक्शन हो जाए, कोई भी रिएक्शन हो जाए, जितना मास लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही मास राइट हैंड साइड में रहना चाहिए, बट पहली बार हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मास जो है वो गायब हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मास ज्यादा होगा, राइट हैंड साइड का मास कम होगा, मास गायब हो जाएगा। लेकिन अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, तुम कम मास की बॉडीज, कम मास की चीजों का रिएक्शन कराओगे और रिजल्ट में जो तुम्हें मिलेगा उसका मास ज्यादा होगा, कम मास की चीजों का रिएक्शन कराओगे और रिजल्ट में जो मिलेगा ना उसका मास ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा होगा, मतलब मास फॉर्म हो जाएगा, मास बन जाएगा। अब यही डिफरेंस है, यही रीजन है जिसकी वजह से हम बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि एक ही प्रोटॉन का मास अलग अलग न्यूक्लियस में, प्रोटॉन का मास अलग अलग न्यूक्लियस में अलग अलग होता है। जब एक प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में घुस जाता है ना, तो या तो उसका मास कम हो जाता है या उसका मास बढ़ जाता है। एक प्रोटॉन जब किसी एक न्यूक्लियस में होता है तो उसका मास या तो कम हो जाता है या मास बढ़ जाता है। तो मास उसकी बढ़ जाता है, मतलब उसमें ज्यादा मास मिल गया उसे कहीं से, कैसे मिल गया देखते हैं, या तो उसका मास गायब हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एम डिनोट कर रहा है मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑन द राइट हैंड साइड, पहली चीज। अब दूसरी चीज यहां पर ये समझो कि एनर्जी इस रिएक्शन से निकलती है क्यू, क्यू एनर्जी, इस रिएक्शन से एक एनर्जी निकलती है क्यू, इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जिसका नाम है क्यू वैल्यू। ये दोनों आपस में बहुत इंटर रिलेटेड चीज है, ठीक है, मास डिफेक्ट और क्यू वैल्यू। यहां पर ये जो क्यू लिखा है ना इसका, तो सर ये कोई हेडिंग ही हो गई, आपने क्यू वैल्यू हेडिंग ही डाल दिया, हम अगर चेंज कर दें, नहीं चेंज मत करना, सारी बुक्स क्यू फॉलो करती हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी निकलती है उसका नाम क्या है, क्यू। ठीक है, अच्छा ये जो एनर्जी निकलती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। ये क्या बताया क्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। हमने लगा दिया है,
हमने लगा दिया है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मैंने तुम लोग को एक बार एक्सप्लेन किया था मॉडर्न फिजिक्स के टाइम पे, जब हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, कि ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एग्जैक्टली डिनोट क्या करता है। ये डिनोट करता है, मैंने इसे पेन के एग्जाम्पल से बताया था, कि अगर मैं पूरा मास इस पेन का डिस्ट्रॉय कर दूं। अब डिस्ट्रॉय कैसे होता है? तोड़ना नहीं, एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देना अपन को इसके मास का। एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, जो कुछ है इस पेन में सब गायब हो जाए, दुनिया से गायब हो जाए। यानी कि इसके पूरे मास को अगर तुम डिस्ट्रॉय कर दो तो तुम्हें कितनी एनर्जी इसमें से निकल के मिलेगी? तुम्हें वो एनर्जी होगी इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वेयर एम इज इट्स मास। उसी तरीके से यहां पर कितना मास डिस्ट्रॉय हुआ? यहां पर मास डिस्ट्रॉय हुआ है डेल्टा एम। अगर डेल्टा एम, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड कर रहे हैं ना, तो डेल्टा एम अगर मास डिस्ट्रॉय हुआ है तो कितनी एनर्जी निकल के मिलना चाहिए? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इतनी एनर्जी हमें मिलती है जब हमारा डेल्टा एम मास लॉस होता है। बट सर, आपने तो बताया कि आरएचएस का मास कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, मास बढ़ भी सकता है। हां बिल्कुल, अगर मास बढ़ेगा तो डेल्टा एम इज नेगेटिव, डेल्टा एम को नेगेटिव डालोगे तो क्यू विल बी नेगेटिव, यानी कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। नेगेटिव वैल्यू सिंपली डिनोट्स कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्यू वैल्यू जो हम लोगों ने लिखी। अब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और क्यू की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। अगर क्यू कभी पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, नहीं, नाम दिया जाता है एक्सो एनर्जिक। डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। एक्सोथर्मिक जब बोलते हैं तो एक्सो मतलब होता है बाहर आना, थर्मिक मतलब होता है हीट, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का बाहर आना इज एक्सोथर्मिक। यहां पर एक्सो एनर्जिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हीट के फॉर्म में ही नहीं मिलती है पूरी एनर्जी। एनर्जी जो है इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मिलती है मोस्टली, मतलब ये जो एनर्जी होती है दिस इज डिवाइडेड बिटवीन एम एंड एन, और वो भाग रहे होते हैं बहुत तेज। ये एनर्जी जो है ये एम और एन को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो बहुत तेज भाग रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है रिएक्शन इज एक्सो एनर्जी, मतलब वही है। ठीक है, और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन इज एंडो एनर्जिक। तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, समझ में आई? तो ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में दोनों तरफ के न्यूक्लियाई सेम नहीं होते हैं। एक तरफ बी और सी नाम के न्यूक्लियस थे, एक तरफ एम और एन नाम के न्यूक्लियस है। मास इफेक्ट का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड कर दिया। ये कोई मास नहीं है, ये मास है। लेफ्ट हैंड साइड का माइनस राइट हैंड साइड का मास करा तो मास डिफेक्ट मिला। मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्यू वैल्यू मिली, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आई होप पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। एक और चीज यहां पर जनरली लिख दी जाती है, वो मैं बताई दूं, कि अगर हम डेल्टा एम की वैल्यू 1 डालें, 1 मतलब 1 amu, मान लो डेल्टा एम की वैल्यू 1 amu डालें। अच्छा, 1 amu को कई बार 1 u भी लिख देगा, वो 1 यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगर मैं डेल्टा एम की वैल्यू 1 amu डालूं, अच्छा 1 amu कितना होता है? 1 amu इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है ना, 1 amu इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो डेल्टा एम की वैल्यू को अगर मैं 1 amu डालूं, ठीक है, सी स्क्वायर, यानी कि सी मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तुम वैल्यू डाल सकते हो 3 into 10 to the power 8, उसका स्क्वायर कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जो आंसर मिलता है, Q का, that value is 931 mega electron volt। सर ये क्यों याद रखे हैं? ये हम इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि अब तुम्हारे पास जब भी डेल्टा एम होगा, अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास डेल्टा एम आया 0.2, तुम्हें 1 amu के लिए आंसर पता है तो 0.2 के लिए आंसर पता है। कैलकुलेशन इजी हो गया। अच्छा, इसको याद रखने के लिए क्या करा जाता है? फिर Q की वैल्यू यहां डालो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा एम की डालो यहां पर वैल्यू 1 amu, अब C की वैल्यू मत डालो, C स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहां से, तो C स्क्वायर इज नथिंग बट Q अपॉन डेल्टा एम, यानी कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 amu। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, यू कैन ऑलवेज पुट C स्क्वायर एज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर amu। C स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ये डाली जा सकती है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे तो 931.5 होता है। बट तुम्हें सच बताऊं तो जब हम लोग ऑप्शंस में कैलकुलेट करने वाले होंगे ना, ऑप्शंस देखूंगा, दूर दूर के होंगे तो 900 भी डाल दूंगा, और ज्यादा दूर के हुए ना अगर तो 1000 भी डाल दूंगा। ठीक है, क्यों?
मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या वैल्यू डालना है, बट ऐसा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें कि 931.5 डालना पड़ेगा, इतना खतरनाक नहीं मिलेगा कभी। तो फॉर डेल्टा इक्वल टू 1 AMU हमने क्यू निकाल लिया, तो अब हम सी स्क्वायर की अगर ये वैल्यू डालें और डेल्टा एम को कुछ भी एएमयू में डालें, तो वो एएमयू और ये नीचे वाला एएमयू कैंसिल होगा और सीधा तुम्हें क्यू की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और सोचो कि सिर्फ 1 AMU के लॉस होने से कितनी ज्यादा एनर्जी निकली है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है सिर्फ 1 AMU के लॉस होने से, तो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल सकती है अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को किसी तरह हार्नेस कर पाए, निकाल पाए। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसीलिए बहुत ज्यादा यू नो फ्यूचर टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि अगर वो हो गया, वो अगर बहुत ज्यादा लोकल होगा मतलब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, तो फिर एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस तो कर नहीं पा रहे हैं, तो एक दो जगह पे स्टार्ट हुआ है कहीं कहीं इन दुनिया में, बट फ्यूजन रिएक्शंस अगर हो गया तो उसमें तो और भी ज्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, मतलब पर केजी और ज्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये पूरी चीज समझ में आ गई हो, तो जल्दी से उस तरफ वाली चीज को नोट कर लो और इस तरफ वाली चीज को अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो देखो, अब यहां पर यहां क्या डिस्कस करना है सर, फिर अपन को अब मैं इस चीज को इधर अप्लाई करता हूं। ठीक है, जब भी न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे होंगे और एनर्जी रिलीज हो रही है, अच्छा यानी कि इट इज अ एक्सो एनर्जिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सो एनर्जिक रिएक्शन है, इसका मतलब मास पक्के से कम हो रहा होगा, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि मास का लॉस होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वी कैन से कि डेल्टा एम पॉजिटिव आता है एंड बाइंडिंग एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी रिलीज तो ऐसे ही निकालते हैं ना डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से तुम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो अगर तुम्हें कोई भी ऐसी रिएक्शन मिल जाए। तो अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा इस टाइप का, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इफ इफ मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज गिवन टू बी 3.999 AMU। सुनना, एक रैंडम क्वेश्चन बना के बता रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन है ना, समझ में आ रहा है, प्रोटॉन ऐसे डिनोट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन टू बी 1.001 AMU एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ऐसे डिनोट किया जाता है, इज 1.002 AMU। फ्रॉम दिस डेटा कैलकुलेट, सिर्फ इतना डेटा लिख के दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ हीलियम न्यूक्लियस। तो तुम्हें ये रिएक्शन खुद से सोचना है, सोचो हीलियम का न्यूक्लियस बनाना है, यानी कि तुम्हें 2He4 बनाना है, मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स चाहिए तुम्हें, चार न्यूक्लियॉन्स की जरूरत है इस तरफ, अच्छा उसमें से 2 प्रोटॉन होना चाहिए और 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता हूं खुद से, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलके ये बना रहे हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर की जरूरत है, डेल्टा एम मतलब होता है मास डिफेक्ट, तो मैं इन दो का मास निकालूंगा वो हो जाएगा 2.002, मैं इन दो का मास निकालूंगा तो वो हो जाएगा 2.004, तो टोटल मास लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4.006। समझ में आया, टोटल मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 4.006, मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, मास ऑन द राइट हैंड साइड इज 3.999, तो 4.006 माइनस 3.999 करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0.007 AMU, यानी कि इस रिएक्शन में जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी है बेस्ड ऑन दिस डेटा, मैं बोल सकता हूं कि मास डिफेक्ट की वैल्यू आई 0.007 AMU। अब ये अगर वैल्यू मिल गई है तो मैं मास डिफेक्ट की, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो 0.007 × 931 MeV। ये 0.007 AMU में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद भी नीचे एएमयू था, वो दोनों एएमयू कैंसिल हो गए, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगर दूर दूर के ऑप्शन हुए, मैंने बोला ना इसको 1000 भी डाल दोगे तो नियरली आंसर तुम्हें मिल ही जाएगा, तो आंसर आ गया करीब करीब 7 MeV। थोड़ा और अगर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ऐसा कि नहीं मैं तो अच्छा आंसर निकालूंगा, तो 9 × 7 कितना होता है, 54 है ना, 63, 9 × 7 = 63। हाँ,
6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कुछ आंसर मिल जाएगा तुम्हें, समझ में आई बात? तो अप्रोक्सीमेटली अपन का आंसर आ गया कि इतना एनर्जी निकलेगा जब अपन का ये वाला रिएक्शन होगा, तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। एग्जाम्पल था, तुम अपने हिसाब से कहीं और लिखना है इस एग्जाम्पल को, एंड में लिखना जब मैं पूरी चीज एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद इस एग्जाम्पल को वापस से आके लिख लेना, बट अभी के लिए मैं पहले थ्योरिटिकली लिखवा दूं चीजों को। तो थ्योरिटिकली मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि पहली रिएक्शन जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, पहली रिएक्शन जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एम पॉजिटिव है, ठीक है? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एम पॉजिटिव है, तो इस रिएक्शन के लिए मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा एम इज पॉजिटिव, यानी कि मास कम हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज कि अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी निकालने का मन है तो डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी यहां से निकल के मिल जाएगी, ठीक है? सिमिलरली इस वाले के लिए, नीचे वाले रिएक्शन के लिए, नीचे वाले रिएक्शन में तुम्हें दिख रहा है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देना पड़ी, इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देना पड़ी, तो इस रिएक्शन के लिए मैं बोलूंगा कि डेल्टा एम इज नेगेटिव, डेल्टा एम इज नेगेटिव। और अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है अब, तो लिख लो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लेकिन मॉड लगा लेना, मॉड लगा लेना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ क्यू वैल्यू होगा इस रिएक्शन का, बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू से ही निकल रही है, क्यू वैल्यू ऐसे निकालते हैं, समझ में आई बात? तो ये तरीका है बाइंडिंग एनर्जी निकालने का। अब उसके लिए तुम्हें डेल्टा एम के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और डेल्टा एम तुम्हें क्वेश्चन वाला देगा, क्वेश्चन देगा कि डेल्टा एम कैसे निकालना है तुम्हें, डेल्टा एम कैसे यूज करना है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होगा कि रिएक्शन खुद से लिखना पड़ेगी, रिएक्शन लिख के नहीं देगा, तो रिएक्शन खुद से लिखना बहुत सिंपल है, तुम्हें कोई भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए वो इधर लिख दिया तुमने, जितने न्यूक्लियॉन्स की जरूरत है वो यहां लिखे, तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा क्या करना है, समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसी बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्ट को, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड बहुत थोड़ी चीजें और बची हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उससे रिलेटेड फिर जो चैप्टर घूम जाता है वहां चले जाएंगे, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।